6200 करोड़ रुपए के लगभग का हमारा समसा का प्रोजेक्ट है, जिसको पीएबी में हम केंद्र से मानव संसाधन मंत्रालय से मंजूरी करा के लाए थे। अभी तक जो पैसा आया है मेरी जानकारी में है वो लगभग आधा ही पैसा आया है, 3000 करोड़ के लगभग ही पैसा आया है, और वो भी लगभग लगभग हमारा तनख्वाह में चला जाता है। तो जो प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे 1581 करोड़ रुपए थे, तो उसमें से केवल जो नाबार्ड में हमने 400 करोड़ का लिया था वो पैसा हमारे पास में आया है, बाकी केंद्र का पैसा। बहुत सी ऐसी सारी स्कीमें हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है या कोई नवाचार जो करने होते हैं, तो वो बहुत कम पैसा हमारे को केंद्र सरकार से मिला है। जो पिछली सरकार ने स्कूलों के एकीकरण के नाम पर समायोजन के नाम पर बंद की थी, वो पूरी अपन खोल चुके हैं क्या पिछले बजट? देखिए, वो निश्चित रूप से जो हमने समीक्षा करवाई थी ब्लॉक स्तर के ऊपर SDM की कमेटी बना करके और जिला कलेक्टर के ऊपर समीक्षा कराई थी, वो समीक्षा पूरी आ गई और लगभग 2850 ऐसी स्कूलें पाई गई जो RT नॉर्म्स के विपरीत उन्होंने बंद की थी। तो इस वित्तीय वर्ष में चूँकि सेशन के बीच में खोलने का कोई औचित्य नहीं है, फिर वो दिक्कत आ जाती है कि टीचर आप लगाओगे तो बच्चे नहीं होंगे और बच्चे होंगे तो हम टीचर नहीं लगा पाएंगे। तो इस जो नया सेशन आ रहा है उससे वो सारी स्कूलें निश्चित रूप से जो भी जहां भी बच्चे उपलब्ध होंगे वो स्कूलें जो नॉर्म्स के विपरीत बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो सब स्कूलें वापस खुले। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।